दिस इज़ मुराद खान, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है माशाल्लाह से हमारी जो है सेवेंथ एपिसोड शूट होने आ रही है फूड सीरीज की। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं आज का हमारा जो है मेन्यू क्या है। और जी गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ईटॉन पर, सिंधी मुस्लिम पर है। देखें आप लोग, यहाँ पर जो है बेहतरीन सा बारबेक्यू वगैरह बन रहा है। यहाँ पर जो इनकी कोई डील वगैरह ट्राई करते हैं, और ये इनका डिलीवरी नंबर है, अगर कोई जो है होम डिलीवरी कराना चाहता है तो इनसे डिलीवरी करा सकता है। तो आए चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या सीन है। अच्छा, ईटॉन की मैं आप लोगों को थोड़ी सी लोकेशन समझा दूँ। देखिए सामने ग्रीनो और थर्स्टी है, और ये सात स्वीट्स भी है। यहाँ आप लोग सामने से अगर आएंगे तो आप लोगों को इस साइड पर पड़ेगा ये ईटॉन, और मेन सिंधी मुस्लिम है। देख सकते हो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये सामने फूड कार्ट्स वगैरह भी दिख जाएंगे। और थर्स्टी मैंने आप लोगों को जैसे कि दिखाया था, बहुत ही अच्छा इनका सोडा होता है। तो आए चलते हैं आज जो है ईटॉन ट्राई करते हैं, और आप लोगों को रिव्यू देते हैं कि कैसा है। जो हम लोगों की डील आ चुकी है, डील वन है, जिसके प्राइस हैं 310 यानी 310 रुपए की डील ली है। देखें इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, ये देखें। अच्छा, 310 रुपए में आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, एक बीफ रोल है इसके अंदर, और एक ये बीफ बर्गर है, फ्राइज है और कोल्ड स्लो है। तो चलें अब जो इसका रिव्यू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट हमें कैसा लगा। गाइस, अभी जो है बर्गर को ट्राई करने का वक्त आ चुका है। बिस्मिल्लाह पानी से जो फर्स्ट बाइट लेते हैं। ये जो बर्गर है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बन थोड़ा सा खोलता हूँ। ये देखिए, ये पैटी, ये पैटी नहीं, एक नशा है। इतना मज़े का बर्गर है, और ये वाहिद ऐसा बर्गर है जिसका फर्स्ट बाइट में ही बेहतरीन टेस्ट आ चुका है। तो ये जो है बर्गर मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, आप लोग आकर जो है यहाँ पर खा सकते हैं। ठीक है, सेकंड बाइट लेता हूँ इससे, इस बार कोल्ड स्लो भी लगाऊंगा इसके साथ। बहुत मज़ा आया भाई बर्गर। अच्छा, अब जो है इसको रोल को ट्राई करते हैं। रोल हो चुका है अनबॉक्स, और रोल को भी जो है केचप से ही ट्राई करते हैं। ये बेसिकली बीफ चटनी रोल है मेरे ख्याल में तो, और इसको ट्राई करते हैं। इसके अंदर जो बीफ बोटी डली हुई है, बहुत ही जूसी और टेंडर है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट करा रहा है रोल भी। देखिए आप, और भर भर के जो है इसके अंदर बोटियाँ डाली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं।
रोल भी बहुत ही मजे का लगा मेरे को। पहली बात तो 310 रुपये में आप लोगों को कहीं पर भी अच्छा खाना मिलेगा नहीं। सिंधी मुस्लिम जैसी जगह में एक ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर अगर आप लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, आप लोग आए यहाँ पर आपके भाई की रिकमेंडेशन है और आप लोग यहाँ पर आकर खाना ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का खाना। मेरे को बहुत ही पसंद आया, प्राइस देखें कितने बड़े बड़े, मैकडोनल्ड और केएफसी से कम नहीं है वैसे भी। बेस्ट रिव्यू भाई, बेस्ट रिव्यू। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है यहाँ पे आके ट्राई करके कि आप लोगों को कैसा लगे। थोड़ा सा और ट्राई करके मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। देखिए ना बीफ कितना अच्छा है, पिंक पिंक बीफ हो रहा है इसका, और ये जो एक अच्छे गोश्त की निशानी है। मुझे तो अपने लिहाज से बहुत ही पसंद आया, इंशाल्लाह इसको जो है दोबारा भी खाने आएंगे। अभी आगे बकरीद के डेज भी आने हैं। इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं पर ही एंड करूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।